हाँ जी, फाइनली हम जो है जास बांडा पहुंच चुके हैं और ये घोड़ा जो है इसने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया। थैंक यू, थैंक यू। ये प्यारे मनासर, दिलकश दिल फरेब मनासर आपके सामने है। जब भी आपने यहाँ पर आना है तो यहाँ पर यकीनन आपको बहुत ही राहत महसूस होगी। कुदरत के हसीन नज़ारे देखेंगे। ये जो मेरे सामने ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर हैं, और कटोरा लेक की तरफ जाएंगे। हमने तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ तक आने के लिए कुमराट और सॉरी थल बाज़ार से हम शुरू हुए, और थल से यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें जो है खासा वक्त लगा। और ये वक्त तो लगता है जब कुदरत के इन हसीन नज़ारों को देखना हो, तो एक तो आपको घर छोड़ना पड़ता है, एक आराम छोड़ना पड़ता है। मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि जब भी आप यहाँ पर आए ना, तो आप सुबह सवेरे उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें और निकल पड़ें कुदरत के इन हसीन नज़ारों को देखने के लिए। ये सामने देखें जी, पूरे कद से जो है ये बड़े बड़े ग्लेशियर खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। जैसा कि हम गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, चतराल और दीगर जो सियाहती मकामात हैं उनको एक्सप्लोर करते रहते हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो मसाइल अवामुन नास को पेश आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं उनको पेश आते हैं, वो होते हैं खाने के और होटलिंग के। तो आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ इसे जास बांडा कहते हैं, और मेरे साथ अफरीदी होटल के मालिक मौजूद हैं। इनके पास किस तरह से ये लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, आप अगर यहाँ पर आते हैं इस जन्नत नज़ीर वादी को देखने के लिए, तो ये किस तरह से कॉपरेट करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? फिदा हुसैन। फिदा हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, साथ में नंबर मैंशन कर दिया जाएगा। इंतहाई मकबूल रेट है, यानी कि आप इतना बड़ा सफ़र करके यहाँ पर आते हैं लेकिन इंतहाई मकबूल रेट है, खाने का बेहतरीन इंतज़ाम है और कमरों का भी रिव्यू करके आपको दिखाएंगे। सो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रेट्स क्या हैं इनके और ये किस तरह से लोगों को जो है वो अकोमोडेट करते हैं। हुसैन साहब, ये बताएं कि आप यहाँ पर जास बांडा, ये जन्नत नज़ीर जो वादी है, यहाँ पर अपना एक होटल रन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर लोग इतनी ज़्यादा तगोदो करके आते हैं, किस तरह से उनको फैसिलिटेट करते हैं आप? जी, असल के हमारे पास जो विकर्ड को ग्रुप्स वगैरह आते लाहौर से, इस्लामाबाद से, तो कराची से ग्रुप्स आते हैं कंपनी की तरफ से, तो हम आपको उनको जो है ना कमरा जो है ना देते हैं 2000 रुपये में कमरा देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई जान पहचान वाला जैसे आप है तो डिस्काउंट भी हो जाएगा उसमें से। ठीक है, और दूसरा ये कि जास बांडा अच्छा जगह है, इधर कटोरा लीग है, इधर आबशार है, तो इंशाल्लाह हमारा कमरे भी अच्छा है, बेड सिस्टम है सारा इधर। ठीक है, अटैच वाशरूम है, फैमिली के लिए भी ठीक है ये, तो ये हमारा जो है ना। जी नाज़रीन, ये जो जगह है ख़ासतौर पर कुमराट वैली, यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको कटोरा लेक, जास बांडा और दीगर जो सियाहती मकामात हैं उन पर जाना होता है। और यहाँ मैं आपको बात ये बताता चलूँ, ये भाई जो हैं जो बात कर रहे हैं वही इनकी बात होगी, ये इनकी कोई दूसरी बात नहीं होगी। और अगर इनके नंबर नीचे मेंशन कर दिए जाएंगे, आपने नंबर्स पर रब्ता करके इनसे ऑनलाइन बुकिंग करवा लेनी है, और यहाँ पर आपको दोपहर को, रात को खाना भी मिलेगा, उसके पैसे अलग से होंगे। ये कमरे के रेट्स बता रहे हैं लेकिन इसमें अप्स डाउन्स होते रहते हैं, ये सीज़न की बात होती है। अगर ये फुल हो गया तो ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं, ये खेमे मौजूद हैं, ये टेंट मौजूद हैं, यहाँ पर भी आप कैंपिंग करेंगे तो एक आउट क्लास सा नज़ारा आपको फील होगा। और इसके साथ साथ अगर मैं आप बात करूँ ना, पीछे मेरे ये आप देख सकते हैं, ये जास बांडा का जो ग्राउंड है, जो मेडोज़ है, ये इसका एंड है, और पीछे जो आबशार नज़र बह रही है इससे, इसके बिल्कुल आप पास होंगे। यहाँ पर जब भी आप आते हैं आपने ये करना है कि फजर की नमाज पढ़नी है और सुबह सवेरे जो है उठ के यहाँ पर आ जाना है और इस कुदरत के हसीन नज़ारों को जो है अपनी आँखों में जो है आश्कार कर लेना है और सेव कर लेना है अपने दिमाग की मेमोरी में। सो देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल।